कि जैसे ही कुछ हालत हो रही है मोनाया की भी, यानी मोहित और सनाया की। लेकिन ये दोनों फिनाले को लेकर नर्वस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट है। आज भी देखिए कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। आखिरी जंग जीतने के लिए रोमांस वाले डांस में डूबे मोनाया। तीन जोड़ियों में से एक मोहित और सनाया ग्रैंड फिनाले जीतने के लिए कर रहे हैं हर मुमकिन कोशिश। कोशिश में ना तो इन्हें अपना दर्द नजर आ रहा है और ना ही नींद। इट्स रियली सैड, हम बिल्कुल भी नहीं सोए थ्रू दिस जर्नी। मुझे पिंपल्स आ गए, डार्क सर्कल्स आ गए। इस बार डांस शो में कुछ अलग करने वाले मोहित सनाया यानी मोनाया अपनी परफॉर्मेंस को लेकर इस बार काफी कॉन्फिडेंट है। नो, हम नर्वस नहीं है, हम एक्चुअली बहुत रिलैक्स्ड है क्योंकि हमारे लिए फिनाले हो चुका है। हमने जो लास्ट एक्ट किए ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा जरूरी था बिकॉज दैट वॉज इट, एंड उसके बाद वोटिंग है। सो दिस इज जस्ट वी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज द लास्ट टाइम वी गोना डांस फाइनली ऑन दैट स्टेज, एंड उसके बाद हमें डांस करने का मौका नहीं मिलेगा। शो हम जीते नहीं जीते वो एक अलग, जीतेंगे हम जीतेंगे। लेकिन इसके अलावा भी फॉर मोहित आई थिंक ही हैज रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन दिस शो। आपको बता दें कि नच के लिए मोहित को नॉन डांसर से डांसर बनाने वाली सनाया इस बात से काफी खुश हैं कि मोहित अब उनके साथ डांस करने लगे हैं। मैं सच कहूँ तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही स्टिल अ नॉन डांसर। नो आई थिंक या मोहित बस अब उस पोजीशन पे आ गया है कि विच आई एम रियली ग्लैड कि देखो डांसिंग आज भी उसको नहीं आता, आई बी ऑनेस्ट विद यू, बट ही इज रीच दैट चांसेस आल्सो लाइक बट ही इज रीच दैट पोजिशन वेयर ही कैन बी टॉट। लाइक पहले मुझे लगता था वो उसको सिखा भी नहीं सकते, इतना मुश्किल है, बट नाउ मोहित को सिखा सकते हैं एंड ही इज ऑल्सो रीच दैट पोजिशन वेयर ही कैन डांस कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज। नच बलिए की जर्नी में अपना जी जान लगाने वाले मोनाया को अब एक हॉलीडे की जरूरत है जहाँ वो फिनाले का जश्न मनाने जाएंगे। ऑफ कोर्स ये बनता ही है, हॉलीडे तो बनता है बॉस। यार वी आर प्लानिंग, आई होप वी मैनेज टू गो फॉर अ हॉलीडे, बट वी आर डेफिनेटली प्लानिंग अ हॉलीडे। पहले तो हम सोएंगे एक हफ्ते तक, तो हाइबरनेशन में होंगे। चार महीने का सफर अब खत्म होने वाला है, ऐसे में आप दोनों नच बलिए को कितना मिस करने वाले हैं? सबसे ज्यादा आई थिंक ऑब्वियसली स्टेज को मिस करेंगे हम, जजेस को मिस करेंगे, निशांत मतलब डांसिंग टुगेदर वर्किंग टुगेदर। नो बट या लाइक आई थिंक वी मिस द जजेस अ लॉट बिकॉज आई थिंक वी हैड लाइक अ ग्रेट पैनल ऑफ जजेस। बहुत ही अच्छे और प्यारे एंड रियली कूल जजेस वी हैड दिस टाइम। चलिए अभी तो फिलहाल आप दोनों अपनी फिनाले परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए और फैन से एक वोटिंग अपील कर दीजिए। प्लीज 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 वोट फॉर अस, वोटिंग लाइन्स आर ओपन टिल 9 AM। मैं जेन्यूनली कह रही हूँ, आई हैव डन अ रियलिटी शो बिफोर दिस एंड इफ यू एवर लुक एट एनी इंटरव्यूज आई हैव गिवन यू विल नेवर सी मी से कि आई डिजर्व इट, आई एम द वन, बट आई जेन्यूनली फील दैट वी डिजर्व इट दिस टाइम। आंटी अंकल जो भी देख रहे हो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे पास जो लोग हैं उन सबके फोन ले लेके वोटिंग करो, अभी हमने भी यही किया है। थैंक यू, थैंक यू। मोहित सनाया की तरह ही सनम और अबिगेल भी ग्रैंड फिनाले को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इन दोनों की माने तो वो इस बार का फिनाले नच का बेस्ट फिनाले होने वाला है। बदलाव तो इन टर्म्स ऑफ एक्ट हमारे 2 से 3 एक्ट है, तो यस बहुत ही ग्रैंड स्केल पे करना चाहते हैं हम, बहुत ही अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं एंड हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड बॉयज और गर्ल्स भी डांस करने वाले हैं, तो आई थिंक वो पूरा माहौल बहुत अच्छा हो गया है एंड इट्स गोइंग टू बी फन। आई थिंक होपफुली नच बलिए का जो फिनाले है आई थिंक वो बेस्ट होने वाला है।